5, 4, 3, 2, 1. राम राम सगला बहना, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाएंगे ट्रैक्टर के पंचर निकलवाने के लिए। आगे वाला टायर हो गया पंचर, ये देखो इधर हवा निकली हुई है। और थ्रेसर के भी टायर का थोड़ा बहुत हवा निकल रहा है, उसका भी काम करवाएंगे। और पहले भर लेते हैं आगे वाले टायर के अंदर हवा, फिर चलते हैं। गाइस ट्रैक्टर अभी इधर लेके आ गए ढाणी के अंदर और अभी हवा भरेंगे। ये पंपरा एकदम खाली हो गया है, ये देखो इधर से अभी भरते हैं हवा, फिर चलते हैं। गाइस अभी हमने हवा भर लिया है, मैं और शिखर मामा जा रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं और टायर खुला लिया, टायर खोलने गाइस थ्रेसर के टायर के भी हवा निकली हुई है। देखो ये पिंचर है, इसको भी तैयार कराना पड़ेगा। ये देखो बुलबुले उड़ रहे हैं, ये देखो इसको भी तैयार कराना पड़ेगा। और हमारा टायर है उसके अंदर दो बड़े बड़े कांटे मिले हैं, ये देखो ये टूट पड़ा। इधर है दो पिंचर दिखा दे, ये देखो गोल चक्कर, ये दो पिंचर। गाइस टायर हमने तैयार कर लिया, अब जा रहे हैं हम खेत, वापस आएंगे फार्म 45 को लेके, जंपा लेके जाएंगे और मामा वाला ग्वार निकालेंगे। हम फार्म 45 को लेके जा रहे हैं, जंपा लेके आएंगे, चलो चलते हैं। और मैंने चाल को खोल दिया, चलो चलते हैं। चाल थोड़ी लेट हो रही थी क्योंकि खेत के अंदर आई हुई है, इंतजार कर रही है इसलिए। जब हमने जंपा ले लिया है और ट्रैक्टर ये खड़ा, जंपा जोड़ लिया और इस खेत से लिया, अब चलते हैं हमारे खेत पे। हमने थ्रेसर चालू कर दिया और मैं जंपे ला रहा हूँ। और ये देखो ट्रैक्टर खड़ा है, और ये देखो आपको ग्वार दिखा देता हूँ, साफ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो इस कंप्रेन से एकदम साफ आ रहा है ग्वार, ये इधर मामा लगे हुए हैं ग्वार जंपा ला रहे हैं। और अभी आपको दिखा दे जंपे में कैसे डलता है ये बिजली, तो देखो दिखाता हूँ। अभी आपको हम दिखाते हैं जंपा कैसे खाली होता है। अभी इसको नीचे कर लिया लिफ्ट को, लिफ्ट को नीचे करके पीछे बैक चल गए थोड़े बहुत, ये बस यहीं पे रख दिया है। और अब थोड़ी सी चौसांगी लगाने के बाद ये आगे ले लिया, बस ये जंपा खाली हो गया। इस ग्वार पूरा निकलने वाला है, लास्ट जंपा रहा है। और ये देखो पूरा खेत खाली कर दिया, काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखो ग्वार ग्वार है, और आपको गुहार चेक करा था साफ सुथरा निकला है, चलो एकदम साफ है जो खींच रहा है, क्योंकि इधर थोड़ी बहुत ऊपर है तो डिस्सा है, इसलिए जोर मार रहा है। महेंद्रा आएगा ट्रैक्टर को, देखो ट्रैक्टर आगे से उठ गया है पूरा गया। सभी भाइयों को राम राम, आज आ रहे हैं हम वापस मूंगफली निकालने के लिए, और चलो चलते हैं। ये हमने जोड़ लिया थ्रेसर, ये पहले से जोड़ा हुआ था वैसे, लेकिन चलो चलते हैं।
close till I get up. Time is barely on our side. ये आ गए हैं, ये देखो जंपे बनाए हुए हैं और जंपे अभी तक कट्टे नहीं हुए हैं, जंपे बना रहे हैं और वो खड़ा हमारा ट्रैक्टर, वो देखो वो खड़ा मूंगफली में पाती भी नहीं लगाई हुई, अब लाइन बंद की है, पानी बंद किया है, एक दो दिन बाद में लगेंगी पाती। जब भी हमने थ्रेसर तो स्टार्ट कर दिया, ये देखो मूंगफली निकालनी चालू भी कर दिया, उधर जंपा है, वो जंपा लेके आ रहा है न्यू आयलैंड वाला, न्यू आयलैंड 36। ये मूंगफली एकदम साफ आ रही है, देखो गाइस चेक करो, एकदम मक्खन मलाई सी आ रही है मूंगफली। गाइज अभी जंपे वाला चाय पी रहा था इसलिए मैं लेके आ गया न्यू आयलैंड को, अभी चेक करते हैं न्यू आयलैंड चला के। महाकाल जितना तो आसान नहीं चलता लेकिन ठीक है, वैसे पावरफुल ट्रैक्टर है। अभी मैं आ गया हूँ थ्रेसर के ऊपर, ये चेक करो इधर से गाड़े लगा रहे हैं और वो वहाँ पे जंपा खाली कर रहा है, इधर मूंगफली पड़ी है। कंप्लीट, ये देखो इतना सारा और उधर मूंगफली पड़ी है, वो देखो इतनी मूंगफली हो गई है, वो ट्रैक्टर जंपे वाला उधर खड़ा है और अब इसको ऊपर कर लेते हैं फिर चलते हैं मामा के खेत। खेत तो आ गए हैं वापस और मामा ने कहा था इधर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और मूंगफली के अंदर, और मैं आके नहा नू के तैयार हो गया, आज का इतना ही काम था और काम हो गया कंप्लीट। अभी होने वाली रात और गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।